हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन वर्क। तो आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो लेके आए हैं, जैसा कि पता है कि इस बार बहुत ज़्यादा वाली गर्मी पड़ी है और बहुत ज़्यादा वाली गर्मी पड़ने के वजह से जो है ना, हमारे प्लांट्स ख़राब हो चुके थे, सारे सूख चुके थे, लेकिन अब बारिश शुरू हो गई है। तो आज हम जो है, देखिए ये पेड़ जो था इसका भी रिपोर्ट करेंगे फिर से, और प्लस जो है इस पेड़ का भी रिपोर्ट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। हाँ, बस कर ये बेल वाले पेड़ रहने दीजिएगा, उसमें लगाना है ना उसको फिर से। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो है आज ये हमारा जो गोल्डन वाटर ब्रश का ये देखिए प्लांट था, वो अभी एक भैया को बुलाया मैंने, और चूंकि बहुत ही हैवी गमला था वो हमसे नहीं हो सकता था, काफ़ी दिनों से पेंडिंग था ये। कई बार जो है ये कई बार गिरा और कई बार उठा, यानी कि कई बार ये जो है डेड हुआ, कई बार मैंने इसकी प्रूनिंग की और कई बार बेचारा ये किया, 3 से 4 बार इसने कोशिश की, लेकिन फाइनली इस गर्मी को ये नहीं झेल पाया। और जबकि मैंने ये ऊपर रखा हुआ था, फिर मैंने नीचे भी रखा, इसमें पत्तियां भी निकली थी, मैंने आपको दिखाया था, अपडेट दी थी, लेकिन पता नहीं जाने क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसमें कि, वैसे इसकी एज तो नहीं कहेंगे कि एज हो गई है, लेकिन कुछ मिस्टेक हुई होगी मुझसे अनजाने में, और जिससे ये पौधा पूरी तरीके से मर चुका है। मैंने देखा कि इसकी लकड़ियों को तोड़ के, इसके स्टिक्स को पूरी आवाज़ आ रही है, देखिए कड़कड़ की आवाज़ आ रही है, तो इससे मैं कुछ कर, इसको फिर भी मैं इसको फेंकूंगी नहीं, अभी प्रून करके मैं इसको बाहर लगा दूंगी कि अगर इसमें जड़ें निकलनी होंगी तो निकलेगी, है ना, थोड़ी बहुत भी अगर बची होगी तो जड़ें निकलेंगी और फिर से हमारा जो है ये हरा भरा हो जाएगा। और इसमें जो करेले अगर मैंने निकल, इसको फिर सोचा ना ये कि पेड़ सूख गया है तो इसको चलो यूज़ कर लेते हैं, इसके नीचे मैंने करेला वगैरह लगा दिया था कि करेला चढ़ जाएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन करेला तो ग्रो नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ तो इस गमले की मिट्टी में ही प्रॉब्लम हो गई होगी, इसलिए करेला भी बहुत अच्छे से नहीं ग्रोथ कर रहा था। फिर मैंने क्या किया ना कि फाइनली ये डिसीजन लिया कि मैं इसको हटा ही देती हूँ, इसकी मिट्टी को थोड़ा सा सुखाऊंगी 1-2 दिन, और उसके बाद फिर सुखाने के बाद मैं, देखिए इसमें कितने अच्छे अच्छे, ऐसा नहीं ये मिट्टी सही है, ये देखिए आपको केचुए दिख रहे हैं ना, केचुए दिख रहे हैं आपको ना, तो मिट्टी अच्छी है, लेकिन फिर भी क्या हुआ है, गर्मी नहीं झेल पाया ये पौधा मेरा, क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता, और शायद मिट्टी में मुझे लग रहा है कोई कीड़ा वीड़ा लग गया होगा, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया। कभी कभी दीमक भी लग जाता है, तो मैं चेक कर रही हूँ कि इसमें हुआ क्या है, है ना, फाइनली इसमें हुआ क्या है, क्यों ऐसा हो गया मेरा ये पौधा। मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद ये ओवर वाटरिंग का ही नतीजा है, क्योंकि ऊपर था तो हवा चलती थी, गमले के पानी जो होता था वो सूख जाता था, और नीचे क्या हुआ देखिए, इससे ये पता चल रहा है ना कि ओवर वाटरिंग हुई और इसकी जड़ें जो है वो गल गई हैं। फिर भी मैं इसको लगाऊंगी, मैं कोशिश करती रहती हूँ, मुझे आपको पता है सारे प्लांट्स को मैं अंत तक नहीं छोड़ती हूँ, जब तक उसमें एकदम कोई भी 1% की भी जब चांस खत्म हो जाए तभी मैं उसको छोड़ती हूँ, तो इसमें पूरी कोशिश करूँगी। और फाइनली मैंने अपने कामली भाई से मिट्टी वगैरह मंगा ली है, ये देखिए इतनी मिट्टी तो इसमें भी निकली है, गमले भी हैं, और इसमें मैंने ना बेल की शीट जो डाली थी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए ये गिलोय का पौधा है और ये जो है बेल की शीट है, तो ये फाइनली बेल भी जो है आज मैं लगा ही दूंगी, कल से सावन स्टार्ट है तो क्यों मेरा बेल का पौधा जो है सोचा कि लगाया जाए आज, तो इसलिए आज मैंने बेल का जो पौधा था, है ना, ये भी जो है निकलवा लिया है। अभी इस बेल के लिए मैंने उससे टोका भी था कि भैया बेल को छोड़ दो, वैसे उखाड़ने जा रहे थे, फिर मैंने कहा भैया बेल मुझे लगाना है, ये देखिए बेल का पौधा, ये शीट द्वारा उगाया हुआ बेल का पौधा है। इसमें आपको एक पर्टिकुलर एक प्लांट की वीडियो नहीं आपको दिखेगी, एक्चुअली जो मुझे दिख रहा है मैं आपके आपको सब एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये देखिए मैंने वहाँ से बाहर प्लॉट पड़ा हुआ है, उसमें से मैंने मिट्टियाँ मिलाई हैं और गमलों में डाल दी है, ये देखिए पोछ वाली बाल्टी में, बहुत छोटे गमले थे ना तो पोछ वाली बाल्टी मंगाया है, और उसके बाद ये जो प्लांट है इसको भी सूख गया है, इसको भी जो है सोच रही हूँ कि आज रिपोर्ट कर दूँ, एलोवेरा का है, और ये तो हमारा वो मरा वाला प्लांट पता ही है कि गोल्डन वाटर ब्रश है। अंत में आज बेचारे की मैं क्या ही बताऊँ, मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मैं किस कंडीशन में हूँ। जिस पौधों को आप जो है सींचिए सालों साल, और उसके बाद आपको अगर ऐसा दिखे ना
उसकी पत्तियाँ एक एक ब्राउन होती तो दिल पे बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँचती है। और उसका एकदम जब पूरा तरीके से वो पौधा मर गया होता है, पूरा ख़राब हो गया होता है, तो फिर एक गार्डनर ही जान सकता है कि उसके क्या भी इतने दिल पे। तो मिट्टी फाइनली निकल गई है, ये देखिए वो आपको गमला दिख रहा है और ये छोटे छोटे गमले दिख रहे हैं, और ये मिट्टी एक्स्ट्रा हम लगा लिए हैं कि कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मिक्स कर लेंगे इसमें। और अभी इसकी मिट्टी को मैं 2-3 दिन सूखने दूँगी, फिलहाल अभी मैं चल रही हूँ इसको एलोवेरा वाला जो प्लांट है इसको भी हटाने। और तब तक मैं क्या कर रही हूँ, सोचे इसको लगा दूँ वरना ये सूख जाएगा, जब तक ये सारा कार्यक्रम होगा ना तो हमारा बेल का पौधा सूख जाएगा, तो ये ना सूखे, ये बेल वाला ना सूखे, इसलिए मैं इसको इसके जड़ों को जड़ जो है इसकी ढक दूँगी, है ना। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी काफ़ी, क्योंकि मेरी व्यथा बहुत लंबी है तो वीडियो भी आपको लंबी दिखेगी। जो मैं आज करूँगी संडे को मैं आपको दिखाऊँगी। काफ़ी दिन से ये था ऐसे ही मेरा पौधा ख़राब हो रहा था, तो आज जो है एक भैया मिल गए तो उनको मैंने बुलाया, और हैवी गमला था, हम लोग नहीं उठा सकते है ना, इसी वजह से और सूख रहा था। वरना शायद मैं कुछ इसको उखाड़ के, अगर छोटा गमला होता, छोटा पौधा होता तो मैं इसको उखाड़ के मैं कुछ ना कुछ करती, ट्रीटमेंट करती, लेकिन काफ़ी हैवी गमला भी था और पौधा भी था, तो इसलिए पौधा तो नहीं कहेंगे इसको, हम पेड़ कहेंगे पूरी तरीके से, लेकिन इसीलिए मैं कुछ हो नहीं पाया और अंततः मर गया। अभी कोशिश करते हैं कि क्या होता है इसमें। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें भी, ये देखिए आपको छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं ना, ये देखिए ये पत्तियों से उगे पौधे हैं, ये देखिए पत्थर चट्टे का है ये। तो अब मैं इसको सब, इसमें क्या है कि जगह बची नहीं है, तो अब सोच रही थी कि इसको मैं रिपोर्ट कर दूँगी। इसमें मैंने काफ़ी शेड डाली थी, देखिए पपाया भी निकला हुआ है और ये भी निकला है। फाइनली मैं इसको आज, इसको भी जो है बहुत दिन से पड़ा था ये सब काम, तो आज मैं इसको सब हटा के सही कर दूँगी। इसमें जड़े ही जड़े हैं, मिट्टी है ही नहीं, ये देखिए आपको दिख रही है ना जड़े जड़े, तो आज सब हटा देंगे। अभी सुबह का टाइम है, अभी मिट्टी वगैरह हो जाएगी तो खुद से धुलाई करा लेंगे, नहीं तो फिर बाद में हमको धुलना पड़ेगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं सुबह काम निपटा ले रही हूँ सब, कि बाद में जो है मुझे कुछ ना करना पड़े। ये देखिए कितने सारे प्लांट्स हमको मिल रहे हैं, आज रिपोर्टिंग करनी है इसकी। फाइनली इस पौधे की जो गोल्डन वाटर ब्रश है उसका तो करना ही है और इसका भी करना है। ये बहुत सुंदर लगता था ये, लेकिन अब वही है ना कि अब तो हटाना ही है, क्योंकि अब नहीं सुंदर लग रहा है, क्योंकि गर्मियाँ थी तो ये, मतलब सोचिए पत्ता चट्टे का पौधा होता है ना, ये भी गल गया था हमारा, सूख गया, पूरी पूरी पत्तियाँ सूख गई थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये दिखा आपको सारा, कितनी जड़ें हो गई इसमें, मिट्टी नाम, मिट्टी तो कुछ है ही नहीं इसमें। अभी आज सारे पौधे अलग होंगे, आज बहुत सारे मुझे पौधे मिलेंगे, है ना। ये देखिए ये एलोवेरा प्लांट है, सारे पफ सूख रहे थे, इसको मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, ये देखिए सब पीले पड़ रहे छोटे छोटे बेचारे, तो सब अलग हो जाएंगे आज, तो अच्छे से सब ग्रो करेंगे। और किसी को अगर चाहिए तो मैं उनको भी दे ही दूँगी फ़िलहाल के लिए, बहुत से लोग मांगते रहते हैं ना, तो खुद से निकालने का मन ही निकलता है, जब निकलता है फिर कोई मांगता है तो लगता है चलो दे देते हैं। ये देखिए कितने सारे हमारे प्लांट्स निकल आए, देखिए इतने सारे प्लांट्स निकले हैं, काफ़ी मिट्टी का काम हो गया है, काफ़ी सफाई भी करनी पड़ेगी। ये देखिए जड़े देख रहे हैं आप, इसमें जड़े। तो फ्रेंड्स जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसका रिपोर्ट, मतलब मैंने इस सब पेड़ों को अलग किया है, मैं दिखा सकती हूँ आपको, ये देखिए सारे एलोवेरा प्लांट अलग हो गए हैं। अब इसको रिपोर्ट करने का एक अलग सेपरेट वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं चलिए एक पौधा रिपोर्ट करके आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए एलोवेरा का प्लांट है ना, ये जो बड़े वाले एलोवेरा हैं ये मैं सब जो है
इनके पप्स को हम कैसे अलग करें आज हम यही सीखेंगे। ठीक है, ये देखिए ये बड़े एलोवेरा प्लांट्स में इसमें नहीं लगाऊँ क्योंकि इसको ये तो ग्रो है ऑलरेडी, इसको कहीं और लगा देंगे। ये वाला जो ये भी अलग लगा देंगे। फिलहाल अभी इसमें छोटे पॉट्स लगाने मुझे। ये देखिए मैंने इसमें ये देखिए होल किया हुआ है, फिर इसके बाद ये रखेंगे ऐसे। ठीक, और उसके बाद फिर इसमें हम फाइनली मिट्टी डालेंगे और ये देखिए एलोवेरा का प्लांट डालेंगे और इसमें फाइनली मिट्टी डाल देंगे। तो इस तरीके से क्या है कि आपको बड़े प्लांट्स सेपरेट कर लेने हैं, ये सुंदर लगेगा देखने में, और छोटे प्लांट्स को आप जो है ना, छोटे प्लांट्स को क्या करना है आपको, जो छोटे पप्स है ना इनको आप जो है, जो बॉटल होती है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ बॉटल, इन बॉटल में जो है आपको भर के लगा लेना है। जब ये ग्रो कर जाए तो फिर आप इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में अगर लगा देंगे ना हम ऐसे वाले में, तो उसमें क्या होगा कि वो जो है गल जाएंगे जड़ें, क्योंकि एलोवेरा प्लांट है ये जो है, पता ही आपको कि थोड़ा सा ड्राई एरिया वाला है, तो इसलिए हम इसको हमेशा ऐसे पॉट में लगाएंगे। जब ये बड़ा हो जाएगा ना, जो इस तरीके हो जाएगा, तब हम इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको एक लगाती हूँ आपको दिखाने के लिए। तो फाइनली ये हमारा एलोवेरा लग गया, अभी इसमें मिट्टी और डालेंगे हम, है ना। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपसे अनुरोध है। और अभी मैं आपको फिर से वीडियोस प्रोवाइड करूँगी, ये सारे इतने सारे प्लांट्स हैं ना, बेल का है, पत्थरचट्टे का और फूल वाला जो, तो ये सारे प्लांट्स मैं जो है शेयर करूँगी आपको अभी रिपोर्ट करते हुए सेपरेट वीडियो। फिलहाल के लिए मैं वीडियो को अब जो है बंद करती हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।